जय हिंद आप सभी को। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। पहला, आपका मैं एक रैंडम टेस्ट लूँगा सिविल इंजीनियरिंग का। अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा रैंडमली आपसे और आपको उनके आंसर करने हैं। एक पेन कॉपी आप निकाल के रखना। और दूसरा, आपका आज का टास्क RRB JEE का और SSC JEE मेंस का। तो पहले टास्क की बात करते हैं। इस वीकेंड थोड़ा बिजी मैं रहूँगा तो वीडियो शायद ना बना पाऊँ, और टास्क छूटने नहीं चाहिए आपके, तो इसलिए मैं एक साथ आपको थर्सडे तक के टास्क दे रहा हूँ। इसके बीच में मैं वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मैं आपके रैंडम टेस्ट ले सकता हूँ और आपके डाउट्स रिजोल्व कर सकता हूँ, जो कि आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछते हैं मुझसे। तो टास्क फोर से स्टार्ट करते हैं। 7 सितंबर सैटरडे, आपको टेक्निकल पैकेज स्टेट AE, किसी भी स्टेट AE का कोई पेपर उठा लेना, टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। कोशिश करना UKPSC के लेटेस्ट पेपर उठाना, क्योंकि इसके अंदर 180 क्वेश्चन होते हैं एक ही पेपर के अंदर, तो आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चंस की, और ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होते, बहुत इजी भी नहीं होते, तो मतलब आपको वैरायटी भी मिल जाएगी और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपको टेक्निकल बूम करना है BMC का और सर्वे का, ये दोनों आप YCT AE से ही करेंगे, ठीक है। टेक्निकल बूम क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट है उसके हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि YCT AE के बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो 15-20 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो हर एक चैप्टर के। टास्क 5, 8 सितंबर संडे को आपको फुल टेस्ट अपना अटैम्प्ट करना है और अपने मार्क्स जो है कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करने हैं। साथ में आपके जितने भी बैकलॉग्स हैं उनको आपको कवर करना है। इसके बाद मंडे में आपको सोइल, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन और एनवायरनमेंट, इन सभी को फिर से रिवाइज करना है। अभी आप एक बार पहले रिवाइज, आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, अभी तक आपने इसको रिवाइज नहीं किया है एक बार भी, तो सोइल, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन और एनवायरनमेंट, इन सभी के शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे जो आपने अब तक नहीं पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक दिन में आपको चारों का रिवीजन करना है। आप ये सोचिए कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप पूरा सिलेबस कवर करते हो, कुछ ना कुछ रिवाइज करते हो। बस यही सोचना है कि आपकी पूरी सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं और इनको अच्छे से रिवीजन करना है। अगले दिन जो आपका पेपर होगा वो इन 4 सब्जेक्ट में से ही आएगा, तो इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सको वो पढ़ने हैं, साथ में इनके चैप्टर टेस्ट भी आपको अटैम्प्ट करने हैं। टास्क 7, 10 सितंबर ट्यूसडे, टेक्निकल पैकेज आपको करना है SSC JEE का, कोई भी PYQ उठा लेना CBT 1 का, और उसको सबमिट कर देना, और एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक देखना। इसमें कोई क्वेश्चन में आपको लगे कि कॉन्सेप्ट आपका वीक है तो पढ़ लेना उसको, कुछ सीखना हो तो सीख लेना। साथ में टेक्निकल बूम आपको करना है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, इसमें SOM और स्ट्रक्चर एनालिसिस दोनों आ जाएंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस के सिर्फ वही टॉपिक कवर करना जो कि सिलेबस में मेंशन है SSC JEE के मेंस के, जैसे कि इनडिटर्मिनेसी, ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है तो वो तो करना ही है। साथ में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये आप इसके आप SSC JEE के जो किताब है आपके पास PYQ उससे 100 क्वेश्चन कर लेना, इसके काफ़ी रहेंगे। आगे चलते हैं टास्क 8 में, हाइड्रोलॉजी, RCC, BMC एंड सर्वे, आपने ये इन चारों के शॉर्ट नोट्स पढ़े होंगे और साथ में चैप्टर टेस्ट भी दिए होंगे। आपने पिछली बार जब मैंने पहले इसका टास्क दिया था तो आपका मेन फोकस रहा था रिवीजन पे, शॉर्ट नोट्स पढ़ने पे। अभी जो आपके चैप्टर टेस्ट बचे होंगे इन 4 सब्जेक्ट के, वो सब कंप्लीट कर लेने हैं, मतलब चैप्टर टेस्ट आपको पूरे कर लेने हैं इसके, और शॉर्ट नोट्स फिर से रिवाइज करना चाहते हो तो कर लेना। टास्क 9 में थर्सडे को आपको टेक्निकल पैकेज करना है किसी भी स्टेट AE का, UKPSC AE का, मान लो आपने फर्स्ट पेपर किया था तो इसका सेकेंड कर लेना, UKPSC का रखा है तो UPPSC AE कर लेना, वो भी कर रखा है तो BPSC कर लेना, कोई भी कर लेना, लेकिन स्टेट AE का भी करना। ESC में आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं और उस 150 क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करने में 4-5-6 घंटे भी आराम से लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो आप टेक्निकल बूम नहीं कर पाओगे। तो स्टेट AE का कोई भी पेपर एनालाइज कर लेना, साथ में टेक्निकल बूम इरीगेशन का करना है और एनवायरमेंट का करना है, मतलब हर एक चैप्टर के 10-15 क्वेश्चन करने हैं आपको YCT AE से। ये आपका टास्क हो गया थर्सडे तक SSC JEE मेंस का। अब चलते हैं RRB JEE पे। टास्क 33 सैटरडे, एप्टीट्यूड में आपको पाइप्स एंड सिस्टम पढ़ना है, ज्योग्राफी में पेज नंबर 46 से 50। ये जो नोट्स हैं मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर, वहाँ से नोट्स को आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से ये पेजेस आप पढ़ सकते हो। साथ में साइंस, ये NCERT भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो साइंस में रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स,
चैप्टर 9 क्लास 8 ये आपको पढ़ना है। सिमिलरली टास्क 34 संडे में आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है सीबीटी 1 का आरआरबी जेई का। टास्क 35 में रीजनिंग में एनालॉजीज वेन डायग्राम क्लासिफिकेशन हिस्ट्री के पेज नंबर 131 से 135 साइंस में स्टार्स एंड सोलर सिस्टम चैप्टर 17 है जो कि क्लास 8 का। सिमिलरली टास्क 36 में एप्टीट्यूड का स्क्वायर रूट एंड एज आगे ये आप देख सकते हो। साइंस में पॉल्यूशन ऑफ एयर्स एंड वाटर एयर एंड वाटर चैप्टर 18 क्लास 8। टास्क 37 में रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशंस डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी एंड डायरेक्शन ज्योग्राफी का पेज नंबर 51 से 55 साइंस का रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस चैप्टर 10 है क्लास 8 का। और उसके बाद टास्क 38 में आपको एप्टीट्यूड का कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। साथ में हिस्ट्री के पेज नंबर 136 से 140 और साइंस में मोशन चैप्टर 8 है ये ध्यान रहे क्लास 9 का है। ये एनसीईआरटी भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ये थे आपके टास्क एसएससी जेई और आरआरबी जेई के। अब चलते हैं आपके आज के नेक्स्ट एस्पेक्ट पर वीडियो के जिसमें आपका रैंडम टेस्ट होगा। तो पेन कॉपी आप निकाल लीजिए। चलो पहला क्वेश्चन ये है आपको शेयर सेंटर बताना है सर्कल का इस चैनल सेक्शन का और अगर दो लाइन एलिमेंट्स इस तरह से जोड़े गए हैं तो इनके शेयर सेंटर कहाँ पे आएंगे। ठीक है वीडियो को पॉज करो आंसर लिखो। ठीक है इसका आंसर होगा अगर सर्कल है तो इसका जो शेयर सेंटर होगा वो सेंटर से देखो यहाँ तक होता तो आर होगा लेकिन इसका जो आर होता है जो इसका शेयर सेंटर होता है 2R होता है। 2R कैसे याद रहेगा R डिस्टेंस तो यही हो गई और इसके आगे भी R होता है तो E जो होता है इसका शेयर सेंटर 2R पे होता है। ऐसे ही जो इसके शेयर सेंटर की बात करते हैं वो यहाँ पे होता है जो कि इस चैनल सेक्शन के सेंटर से E डिस्टेंस पे होता है और ये होता है बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी अपॉन 4i। इसको डायमेंशन से भी देख सकते हो आई की चार डायमेंशन होती है लेंथ की और इन दोनों इन चारों की 2 और 2 ये चार हो गई लेंथ की डायमेंशन तो बची सिर्फ टी और शेयर सेंटर एक डिस्टेंस है तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी बाई 4i बाकी सब डायमेंशन यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर दो लाइन एलिमेंट मिलते हैं तो जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ पे उसका शेयर सेंटर होता है। आई होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन था आपने इसका आंसर सही किया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है कि आपको ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया हुआ है सिग्मा वाई जो है 100 है सिग्मा एक्स 80 है और टो एक्स वाई की वैल्यू 60 है तो आपको सिग्मा एक्स डैक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो कैलकुलेटर वैसे अवेलेबल होगा आपको सिर्फ इतना करना है कि जो फॉर्मूला आपके पास होता है सिग्मा एक्स डैश का वो क्या होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा। आपको बस इन सब की वैल्यू पुट करनी है थीटा की टो एक्स वाई की विद साइन। ठीक है तो आप पहले एक बार वैल्यू पुट कर दो पॉज करके। ठीक है अब इसका आंसर बताता हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। देखो सिग्मा एक्स क्या है एक्स डायरेक्शन में 80 प्लस वाई डायरेक्शन में क्या है 100/2 प्लस 80 - 100/2। हम इस चीज़ से हमें परेशान नहीं होना है कि माइनस में आ जाएगा तो पहले 100 लिख दें नहीं एक्स डायरेक्शन में जो है साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी 80 - 100/2 कोस 2। अच्छा ये जो यहाँ पे थीटा एंगल होता है क्या होता है ये जो एक्स सिग्मा एक्स हमारे पास लगा है ये कौन से प्लेन पे लग रहा है इस प्लेन पे तो जो फेलियर प्लेन हमारा है या फिर जिस प्लेन पे हमने बताया है देखो ये सिग्मा एक्स डैश कौन से प्लेन पे है इस पे सिग्मा एक्स कौन से प्लेन पे है इस पे तो जो सिग्मा एक्स का प्लेन है और जिस प्लेन पे हमें स्ट्रेस निकालनी है उन दोनों के बीच का जो एंगल है ये यहाँ पे ये थीटा होता है जो यहाँ पे लिखा गया है तो लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा एंगल दे रखा है 48 डिग्री ये तो ये क्या है कुछ ये है ये हमें 48 डिग्री दे रखा है यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 90 - 48 मतलब 42 डिग्री तो cos 2 थीटा हो गया यहाँ पे प्लस अच्छा टो एक्स वाई लिखना है तो हम क्या 60 लिखे कि -60 बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि जैसे आपके पास ये एलिमेंट है यहाँ पे क्या है ये दे रखा है ये अगर ये दे रखा है ठीक है तो यहाँ पे ये दे रखा है तो यहाँ पे ये ऊपर होगा कैसे होगा क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे दे रखा है तो इसको कंप्लीट करने के ये होगा। ठीक है ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा और ये है ऐसे तो इसको पूरे को नहीं सोचना है आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि अगर जो नीचे है तो इधर ऊपर बना देना है। अब ये क्या है इसको ऐसे घुमा रहा है अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये नेगेटिव होगा। ऐसे ही सिमिलरली इसको ऐसे देखो कि अगर जो ये हमें सिर्फ इतना दे रखा था
तो इसको दूसरी साइड से ऐसे घुमा लेना है, देखो ये क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशन है, ऐसे ही रखना होता है। प्लस तो टो एक्स वाई, यहाँ पे देखो ये ऐसे है तो इसको ऐसे बना लो, ये इसको ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे माइनस 60 साइन 2। एंगल कौन सा होगा, जो हमारे पास एक्स का प्लेन है और जो कि इसका प्लेन है, दोनों के बीच का एंगल कितना 42 डिग्री। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू होगी, आप कैलकुलेट कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ फिगर्स मैंने आपको बना के दिखाई है, आपको इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताने हैं। जैसे होलो है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कुछ होगा, सॉलिड है उसका कुछ यहाँ पे होगा, ऐसे ही ये सिर्फ रिंग टाइप है, सिर्फ लाइन एलिमेंट है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे होगा, इसका कुछ यहाँ पे होगा, इसका कुछ यहाँ पे होगा, तो इन सब की वैल्यू आपको बतानी है। मान लो इसकी हाइट एच है और इसकी जो रेडियस है आर है, तो अब इसके सबके आंसर आप लिखो, ठीक है। अगर आई होप आपने आंसर लिख लिए होंगे, तो जो होलो है, होलो वाले का, होलो कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है नीचे से, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक ट्रायंगल का होता है। ट्रायंगल का क्या होता है, नीचे से h बाई थ्री, ऊपर से होता है 2h बाई थ्री, तो ये क्या है h बाई थ्री। अच्छा, होलो का h बाई थ्री है तो सॉलिड का क्या है h बाई फोर, ऐसे भी सोच सकते हो होलो, ठीक है, सोच सकते हो, तो सोच सकते हो कि मतलब कि नीचे की साइड ज़्यादा मास है इसका, तो h बाई थ्री से तो नीचे रहेगा, बाकी ऐसे याद रख लो ये h बाई थ्री है तो इससे थोड़ा नीचे ही रहेगा, तो h बाई फोर, h बाई फोर h बाई थ्री से छोटा होता है। आगे चलते हैं, अब अगर जो रिंग एलिमेंट है तो इसको कैसे है, इसका जो यहाँ पे ये होगा इसको d बाई पाई याद रखना, d बाई पाई या फिर 2r बाई पाई। आगे चलते हैं, जो अगर ये एरिया है हेमिस्फेयर का, और सॉरी सेमी सर्कुलर है ये, तो ये 4r अपॉन 3 पाई होगा, r अगर जो हमारे पास ये है, और अगर ये है इसका जो cg होगा नीचे से वो कितना होगा 3r बाई 8, ये इसका cg होगा। तो ये था आपका रैंडम रिवीजन, अभी सिर्फ मैंने सोम का ही लिया है रिवीजन आपका टेस्ट। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के आपके ऐसे ही रैंडमली टेस्ट लो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।